स्टूडेंट्स, हमारे YouTube चैनल एक्सपीरियंस ट्यूटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ncert सॉल्यूशन क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर 9 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स क्वेश्चन नंबर 9.8। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से निवेदन है, अगर आप हमारे YouTube चैनल एक्सपीरियंस ट्यूटर को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इससे आप हमारे कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे और आपको ऑटोमेटिक अपडेट मिलता रहेगा जब भी कोई वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड करेंगे। हमारे वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 9.8 देखते हैं। ए पीस ऑफ कॉपर हैविंग ए रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 15.2 मिलीमीटर इनटू 19.1 मिलीमीटर इज पुल्ड इन टेंशन विथ 44,500 न्यूटन फोर्स प्रोड्यूसिंग ओनली इलास्टिक डिफॉर्मेशन। कैलकुलेट द रिजल्टिंग स्ट्रेन। यहां भी हमें रिजल्टिंग स्ट्रेन निकालना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। तो हमें जो जो गिवन है, जो एलिमेंट्स गिवन है, उसको पहले लिख लेना है। तो गिवन क्या क्या है, लेंथ ऑफ द पीस ऑफ कॉपर ये दिया हुआ है, तो एल दिया हुआ है कितना 19.1 mm। इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में, तो हम लिख सकते हैं 19.1 इनटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर। उसका ब्रेथ ऑफ द कॉपर वो भी दिया हुआ है, इसे स्मॉल एल कर लेते हैं। ये ब्रेथ कितना दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है आपका 15.2 मिलीमीटर इज इक्वल टू 15.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर, ठीक है। एरिया ऑफ द कॉपर पीस, अब एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया, तो इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए 19.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 15.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। ये दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा कितना आया, 2.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। एरिया निकाले इसलिए यूनिट मीटर स्क्वायर हो गया। अच्छा, टेंशन अप्लाइड टू द कॉपर वायर कितना, टेंशन मींस फोर्स, ठीक है, कितना है 44,500, ये भी गिवन है आपको। तो और नीटा का वैल्यू कॉपर के लिए ये भी दिया हुआ है, वो कितना है 42 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये भी गिवन है। तो ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कॉपर, ठीक है। अब नीटा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कॉपर इज इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, तो हम लिख सकते हैं इसे एफ अपॉन ए, स्ट्रेस को आप फोर्स अपॉन पर यूनिट एरिया, तो स्ट्रेन इज इक्वल टू हम लिखेंगे इतना, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लिख सकते हैं, स्ट्रेन यदि हम निकालना चाहें तो स्ट्रेन इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, F, A और नीटा को इस साइड भेज देंगे, तो ये हमारा फॉर्मूला निकल गया। अब सिर्फ हमें ये वैल्यूज बिठाने हैं, जस्ट वैल्यू बिठाते जाइए। F का वैल्यू कितना है 44,500, A का वैल्यू कितना है अभी निकाला हमने 2.9 इंटू 10 टू पावर माइनस 4, और नीटा का वैल्यू कितना है वो गिवन है 42 इंटू 10 टू पावर 9। ये सारा वैल्यू हमने बिठा दिया और इसका रिजल्ट आ गया 3.65 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, ये हो गया आपका आंसर,
ठीक है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, सबको समझ लेते हैं। तो हमें ये गिवन है, लेंथ दिया हुआ है कॉपर वायर का और वो मिलीमीटर में है, तो हमें याद रखना है हमेशा एम के एस में मीटर में इसे कन्वर्ट कर लेना है। फिर ब्रेथ भी दिया हुआ है, वो भी मिलीमीटर में है, मीटर में कन्वर्ट कर लिया, एरिया निकाल लिया लेंथ इंटू ब्रेथ, इसको मल्टीप्लाई करके ये हमारा निकल गया एरिया। और फोर्स द टेंशन एक्सर्टेड वो दिया हुआ है 44,500 न्यूटन। नीटा का वैल्यू दिया हुआ है कॉपर के लिए 42 × 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हमने सिर्फ फार्मूला बैठाना है, नीटा इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस का फार्मूला होता है एफ बाई ए, फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। और स्ट्रेन तो स्ट्रेन ही लिखेंगे, स्ट्रेन को उधर लेफ्ट साइड हम भेज देंगे, तो स्ट्रेन इज इक्वल टू और नीटा नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में एफ अपॉन ए नीटा। अब एफ का वैल्यू, ए का वैल्यू और नीटा का वैल्यू हम बिठा देंगे, इसे ये आंसर आ गया। ठीक है, हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, जिससे हमें अच्छा लगेगा। और आपका आज का दिन शुभ हो, इस शुभकामना के साथ हम लोग आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।